एक चुटकी सिंदूर आपको बीमार कर सकता है। क्या मां के सिंदूर से बच्चे को खतरा हो सकता है? क्या सुहाग का सिंदूर सेहत का दुश्मन है? क्या मांग में भरे जाने वाले सिंदूर से मां और बच्चे दोनों की सेहत को नुकसान पहुंचता है? क्या मां के सिंदूर लगाने की वजह से बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है? क्या सिंदूर में खतरनाक शीशा यानी लेड मौजूद होता है, जिसकी वजह से किडनी की बीमारी हो सकती है? ये सवाल काफी अहम है, क्योंकि इनका सरोकार देश के करोड़ों लोगों से है। अमीर हो या गरीब, खास हो या आम, तमाम परिवारों की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है। एक विवाहित महिला का अभिमान होता है। मांग में सजा एक चुटकी सिंदूर पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। विवाह के समय दुल्हा अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है और इसके बाद वो पति पत्नी बन जाते हैं और वो दोनों 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हैं। सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग नहीं, एक दंपत्ति के प्रेम और समर्पण का चिन्ह है। इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति में इतनी अहमियत दी गई है। सिंदूर की भारतीय धर्मशास्त्रों में भी महिमा बताई गई है। भगवान बजरंगबली हनुमान को सिंदूर चढ़ाया जाता है। आपने हनुमान की बहुत सी ऐसी प्रतिमाएं देखी होंगी जिसमें उनका पूरा शरीर लाल रंग में रंगा होता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार को चमेली के तेल या चंदन में घुला सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा देवी की पूजा में भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। देवी दुर्गा की पूजन सामग्री में सिंदूर का भी खास महत्व होता है। दुर्गा पूजा के समापन के समय बंगाल में सिंदूर खेला की रस्म होती है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ये तमाम उदाहरण बताने के लिए काफी हैं कि देश की सभ्यता और परंपरा में सिंदूर की कितनी अहमियत है। धर्म से लेकर समाज और संस्कृति तक सिंदूर का कितना महत्व है। लेकिन इसी सिंदूर को लेकर वैज्ञानिकों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि सिंदूर के कई नमूनों में खतरनाक रसायन पाए गए हैं। कुछ सैंपल में शीशे की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह का सिंदूर लगाने से महिला की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, और न सिर्फ महिला बल्कि उसके बच्चे का मानसिक विकास तक भी इससे प्रभावित हो सकता है। अलार्म में आज हम आपको इस खतरे से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मिलावटी सिंदूर लगाने से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। ना केमिकल्स की वजह से होता है। अमेरिका में की गई स्टडी से भी खुलासा हुआ है कि अगर सिंदूर में लेड की ज्यादा मात्रा मौजूद हो तो इससे किडनी और ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि ऐसा सिंदूर लगाने से बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। वैसे तो ये डायलॉग फिल्मी है, लेकिन इसे आप हकीकत का आईना कह सकते हैं। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाओं के लिए एक चुटकी सिंदूर विश्वास और प्रेम का प्रतीक होता है। इसमें उनके जीवन साथी का प्यार समाया होता है। सिंदूर की अहमियत अपनी जगह कायम है, लेकिन इस सिंदूर को लेकर वैज्ञानिक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जो आंखें खोलने वाली है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि सिंदूर में ऐसे तत्वों की मिलावट मौजूद हो सकती है जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर का खास महत्व माना जाता है। अक्सर महिलाएं खूबसूरत लगने के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन शायद वो इस बात से वाकिफ नहीं होती कि सिंदूर का इस्तेमाल करना उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आइए आज हम अपने अलार्म शो में बताएंगे कि सिंदूर का इस्तेमाल करना महिलाओं के लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले हम आपको उस रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसने सिंदूर के सुरक्षित होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये स्टडी अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है। उन्होंने भारत और अमेरिका में अलग अलग जगहों से सिंदूर के 118 सैंपल्स इकट्ठा किए। इसके बाद इन सैंपल्स की जांच की गई। पता चला कि अमेरिका के 83% और भारत के 78% सिंदूर के सैंपल में लेड यानी कि शीशा की मात्रा प्रति ग्राम 1 माइक्रोग्राम पाई गई, जो तय सीमा से अधिक था। न्यू जर्सी से लिए गए 19% नमूनों और भारत के
43% नमूनों में लेड की मात्रा प्रति ग्राम 20 माइक्रोग्राम तक पाई गई, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। शीशा मिला सिंदूर लगाने से महिलाओं और परिवार के दूसरे सदस्यों को किस तरह का खतरा हो सकता है, ये जानने के लिए हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बात की। जहाँ पे सिंदूर के अंदर में लेड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा पाई गई है, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा पाई जाती है, और अगर लेड कहीं पर भी हो परमिसिबल लेवल से ज़्यादा, चाहे वो सिंदूर में हो, चाहे वो लिपस्टिक में हो, चाहे वो दीवारों के अंदर में हो, चाहे वो लेड की जो पानी की नलकियाँ होती हैं उसके अंदर में हो, ये ब्रेन के डेवलपमेंट में ख़राबी करता है। खासकर प्रेग्नेंट लेडी अगर इनको पीती है तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ख़राब होता है, लेड से एनीमिया होता है लोगों के अंदर में। सो ये तो दो कंडीशंस हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट और एनीमिया जो टॉक्सिसिटी होती है, तीसरी किडनी, जो ये तीन चीज़ों का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब कंपलसरी है अनलेडेड पेट्रोल, पेंट्स में भी अभी कंपलसरी हो गया है कि लेड फ्री होने चाहिए, उसी तरीके से सिंदूर में है कि सिंदूर हैज़ टू बी लेड फ्री। प्रेग्नेंट महिलाएं अगर ऐसा सिंदूर लगाती हैं जिसमें शीशा यानी कि लेड खतरनाक स्तर पर मौजूद हो, तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चों का मानसिक विकास रुक सकता है, उनका आईक्यू लेवल कम हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक लेड की मात्रा अगर शरीर के अंदर तय मानक से ज्यादा हो जाए तो न सिर्फ ब्रेन बल्कि किडनी और खून से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेड बेसिकली अगर ये हमारी बॉडी के अंदर में सर्कुलेशन में पानी से या किसी भी कारण से अगर बढ़ जाता है हमारे अंदर में, तो खून के अंदर में वो एनीमिया करता है, किडनी खराब करता है, और ब्रेन की डेवलपमेंट बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडी के अंदर में उसमें डैमेज करता है। तो एक बार लेड की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर में बढ़ गई, मान लीजिए जो कि 5 की मात्रा कहलाई जाती है, 5 हमारे पास अगर 5 से ज़्यादा ब्लड के अंदर में है तो ये नुकसान करता है। तो सिंदूर भी एक माध्यम है लेड का, लेड तो कहीं पर भी हो, हम तो पेंट कैसे करता है, पेंट चाटते थोड़ी हो आप, तो पेंट के जो इनहेलेशन आते हैं वो इनहेल होते हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक मेडिकल एक्सपर्ट इस बारे में एक राय है कि अगर सिंदूर में शीशा यानी लेड जैसा खतरनाक रसायन मौजूद है तो इससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। अब सवाल है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। तो बड़ी सिंपल है कि ये सरकार का काम है कि सिंदूर के अंदर लेड नहीं होना चाहिए। एडल्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी सरकार की है, आम जनता नहीं कर सकती कि जाके सिंदूर को चेक कराए। ये तो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि इतना ज़्यादा कड़क सिस्टम हो कि अगर कहीं पर भी लेड की एडल्ट्रेशन है तो वो पनिशेबल ऑफेंस ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको दोबारा ना करें। जरूरत इस बात की है कि सरकारी एजेंसियां इस बारे में समय रहते एक्शन लें और ऐसे सिंदूर की बिक्री पर रोक लगाएं जो सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि वो सिंदूर की डिब्बी खरीदने से पहले जांच परख लें कि कहीं वो मिलावटी तो नहीं। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि सुहाग का सिंदूर सेहत के लिए खतरा ना बन जाए। दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।